जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। सबसे पहला सवाल कि वैदिक सभ्यता कब से शुरू हुई, तो ये है इसका सवाल। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय को जो है हमने वैदिक सभ्यता का काल यानी कि समय माना है, ठीक है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी नई सभ्यता, उसी का नाम जो है वो वैदिक सभ्यता है। और भारत में जिस नवीन आई थी और भारत में जो है इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, दूसरा वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी काल यानी कि वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है वो हमें वेदों से प्राप्त हुई है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई थी, तो ये वेदों से प्राप्त हुई थी। वैदिक सभ्यता 1520 से लेकर 600 ईसा पूर्व, यानी कि बुक में थोड़ा चेंजिंग हो सकती है इयर्स में, पर लगभग इतना ही है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के समय। तो हमने इसको क्या किया, दो भागों में बांट दिया वैदिक सभ्यता को। एक आ गया आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा आ गया उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय मान लिया हमने 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को, और उत्तर वैदिक काल का हमने समय जो है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय को माना था। इस काल की जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई थी। किस काल की, ऋग वैदिक काल की। और दूसरे जो हमने तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों वेदों को हमने अलग भाग में बांटा है जो कि उत्तर वैदिक काल में आते हैं। तो ये इस प्रकार से ये हमारा वैदिक काल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो साथ में बने रहिएगा चैनल पे। इसके बाद हमारा आता है कि जो वैदिक सभ्यता है वो आर्यों के आगमन से शुरू हुई थी भारत में। तो आर्य जो है वो भारत में कहां से आए थे, ये सवाल बनता है। तो आर्य जो है वो भारत में आए थे तो कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ये मैक्स मुलर के अनुसार जो है उनके अनुसार जो है हम बताते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव में आने वाला सवाल है। और आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी, तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा में बातचीत करते, ठीक है। और आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आर्य शब्द का अर्थ है कुलीन, श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आपको लर्न रखना चाहिए। दूसरा आ गया, मैंने बताया आपको मैक्स मुलर के अनुसार ये आर्य कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है वो तिब्बत से आए थे, ये हमारे कमीशन के पेपर में आया था क्वेश्चन। ऐसे बाल गंगाधर के अनुसार जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। एक्चुअल में और मैं बताऊं कि आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर रहे थे। जो सबसे पहले किस जगह पर रहे थे ये क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए आप याद रख सकते हैं, अब पंजाब और अफगानिस्तान में रहे। और उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा में बात करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे, मगर ये जो थे हमारे ये ग्रामीण सभ्यता के थे जो कि आर्य सभ्यता के, ठीक है। आर्य सभ्यता के लोग जो थे वो ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। अब आर्यों ने जो है इनको 5 इकाइयों में बांटा हुआ था या बंटी हुई थी, एक कुल में, दूसरा आ जाता है आपका गांव में, वंश में, जिला में, राष्ट्र में। टोटल वेद हमारे जो हैं वो 4 वेद हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पहला वेद आ जाता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, पहले मैं बता दूं कि सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त है, 10462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से हमने गायत्री मंत्र को जो है वो लिया है या गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो ये ऋग्वेद में ही उल्लेखित है। कई बार क्वेश्चन आ रहा है, ऋग्वेद के काल के प्रमुख देवता जो थे वो इंद्र, अग्नि और सोम यानी कि वरुण, ठीक है। ये देवते को जो देवता को हमने जो है माना है कि ये प्रमुख देवता थे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेद, वो है हमारा दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ ये है कि मतलब वेद में ये लिखा है कि कैसे विधि विधान के अनुसार यज्ञ करना चाहिए,
कैसे ठीक है मतलब प्रॉपरली हमने उसका संकलन मिलता है कि पूजा किसकी, पहले पृथ्वी की करो, फिर साथ में अग्नि की पूजा करो, पानी की करो, फिर उसके बाद सूर्य देवता की पूजा करो। सभी देवताओं को हम जब भी यज्ञ करते हैं तो हम उनका उनको अपने यहाँ पर बुलाते हैं उस वक्त कि आप भी हमारे साथ हों, वो सम्मिलित हों। इसी में साथ में बोलूंगा कि बलिदान की विधि भी होती है, कई जगह बलि की बोल सकते हो आप, उसका भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तीसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद जो है ये हमारे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, ये गानों से जुड़ा है। शॉर्टकट में याद रखिएगा, गानों से जुड़ा है, भारतीय संगीत का ये जनक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथवार ऋषि के द्वारा लिखा गया है या रचित है, और ये वेद जो है वो चिकित्सा तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर 731 मंत्र हैं। कितने हैं? 731 मंत्र जो हैं वो इसमें हैं, और 6000 से ज्यादा इसमें पद हैं, जो कि चिकित्सा जैसे मैंने आपको बताया तंत्र मंत्र और वशीकरण से जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एक बार आप सुन लीजिए अच्छे से वीडियो को, तो आपको ये अच्छा रहेगा। और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो को स्किप करते हैं तो आधे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। नेक्स्ट आता है वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पुराण 18, उपनिषेद हमारे 108 हैं। लर्न रखिएगा, पेपर में आने वाले हैं। उपनिषेद का क्या अर्थ है? तो उपनिषेद का अर्थ है गुरुओं के समीप बैठने को जो है बैठना जो है वो इसका अर्थ है। दूसरा आ जाता है हमारा सत्यमेव जयते, जो कि भारत का जो है वाक्य भी है, सत्यमेव जयते, ठीक है, राष्ट्रीय वाक्य है हमारा। तो ये कहां से लिया गया है? ये भी मुंडक उपनिषेद, यानी कि 108 उपनिषेद हैं, उनमें से ही उठाया हुआ एक उपनिषेद है मुंडक उपनिषेद, वहां से सत्यमेव जयते को जो है वो लिया है। लास्ट में आता है हमारा जो कि आधुनिक और प्राचीन नाम। तो ये है हमारी नदियों के प्राचीन नाम। देखिए सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? तो वैदिक नाम है शतुद्री। चिनाब नदी का आस्कनी, व्यास का विपाशा, झेलम का विस्ता, और गोमती नदी का गोमल। ये क्वेश्चन बहुत बार आने वाले क्वेश्चन हैं, बड़े भारी टाइम पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन, आप इनको परफेक्ट करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।